हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम पर्यटन, परिवहन और यात्रा सेवा की बुक का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले, जिसका नाम है पर्यटन के प्रकार। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेस्ड पर, और इसमें से एक नए क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे शॉर्ट्स में पूछा जाए, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए, ज़रूर पूछा जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं पर्यटन के प्रकार पर ही वर्णन करने के लिए क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल पर आपको मिलती रहती है। साथ ही अगर आप ब्रीफली जानना चाहते तो इससे रिलेटेड एक और वीडियो है, वो डिस्क्रिप्शन आइकन लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और लास्ट क्लास नहीं देखी तो उसके भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन आइकन लिंक मिल जाएगी। सो चलते हैं अपनी क्लास की और समझते हैं इस चैप्टर को अच्छे से। पर्यटक कभी अपने देश में घूमता है, कभी विदेश में, कभी अकेला घूमता है, कभी समूह में। पर्यटन की प्रेरणा भी भिन्न भिन्न होती है और कारण भी। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो पर्यटक होता है वो देश विदेश में घूमता है, वह अकेले भी घूम सकता है, समूह में भी घूम सकता है, साथ ही अपने परिवारों के संग भी घूम सकता है, और साथ ही इन सभी पर्यटकों की जो प्रेरणा होती है वो अलग अलग होती है और कारण घूमने के अलग होते हैं। जैसे कोई भी पर्यटन किसी भी रिश्तेदारों के द्वारा उसे किसी भी स्थल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसे प्रेरित होकर जाता है, या फिर कोई भी पर्यटक उस पर्यटन से स्थल से आकर्षित होकर जाता है। तो सबके कारण अलग अलग हो सकते हैं उस स्थल तक पहुंचने के। पर्यटन के प्रकारों में विविधता होना स्वाभाविक है। इसमें भौगोलिक स्थिति, पर्यटन का उद्देश्य, पर्यटन साधन आदि विभिन्न होते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए निम्नलिखित तत्व है। जैसे बच्चों, कहने का तात्पर्य ये कि जो पर्यटन है उसके प्रकार में विविधता देखने को मिलती है। हर पर्यटक की इच्छा, लाइक, डिसलाइक सबकी अलग अलग होती है और पर्यटन स्थल भी अलग अलग होते हैं उम्र के हिसाब से। तो हम कह सकते हैं उसके अंदर विविधता होना स्वाभाविक है। साथ ही भौगोलिक और उसके जो उद्देश्य होते हैं किसी भी स्थल से आकर्षित होकर जाने के, वो भी अलग होते हैं और साधन भी अलग होते हैं। जैसे अगर हमारा घर के पास ही कोई पर्यटन स्थल है तो हम या तो पैदल जाना पसंद करेंगे या फिर रिक्शा लेकर जाना पसंद करेंगे, परंतु अगर वो स्थल हमारे घर से बहुत दूर है तो हम बड़े ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करेंगे, या तो मेट्रो का प्रयोग करेंगे या हेलीकॉप्टर का प्रयोग करेंगे। ऐसे साधनों का भी हम प्रयोग करते हैं अलग अलग साधन के अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं विविधता देखने को मिलती है पर्यटन के अंदर, संसाधन को लेकर भी, लोगों की इच्छा को लेकर भी। तो उसे और अच्छे से समझने के लिए इसके कुछ निम्नलिखित तत्व बताए हैं। जैसे स्थान की दृष्टि से घरेलू पर्यटन राष्ट्र के अंदर की सीमाओं में भ्रमण करते हैं, वह पर्यटक राष्ट्रीय आंतरिक व घरेलू पर्यटक कहलाते हैं। घरेलू पर्यटन किसे कहते हैं? जो अपने राष्ट्र, अपने ही देश की अंदर की सीमाओं पर यात्रा करते हैं वह हमारे आंतरिक व घरेलू पर्यटक कहलाते हैं। और अच्छे से समझते हैं इसे। विदेश में यात्रा करने की अपेक्षा आस पड़ोस तथा देश में यात्रा करने वालों की संख्या स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक होती है। इसका कारण है कि अपने देश में यात्रा करना अनेक दृष्टि से सरल होता है। जब हम अपने ही देश के अंदर यात्रा करते हैं तो हमें हर चीज़ पता होती है कि वह साधन कहाँ पर है, कैसे जाना है, सारी ही चीज़ें, कोई भी भाषा का अंतर नहीं होता। अन्य चीज़ों की समस्या जो हमें विदेशों में देखने को मिलती है वो अपने ही देश की यात्रा करने में नहीं होती, और वह हम कहीं पर भी किसी भी ट्रांसपोर्ट के द्वारा किसी से भी पूछताछ कर उस स्थल की यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है घरेलू पर्यटन में ना भाषा की, ना मुद्रा की, ना रहन सहन की, ना विविधता की, ना संचार माध्यमों की, ना परंपराओं की, ना पारपत्र जिसे हम वीज़ा की कठिनाइयां आती है। जब भी घरेलू पर्यटन अपने देश की सीमाओं के अंदर करते हैं तो हमें ना किसी भाषा की ज़रूरत पड़ती है, हम नॉर्मल भाषा या मातृभाषा का ही प्रयोग कर उस स्थल में घूम सकते हैं, ना पैसों की करेंसियाँ जो चेंज करनी पड़ती है उसकी भी समस्या नहीं करनी पड़ती, ना पासपोर्ट लगता, ना रहन सहन की कोई प्रक्रिया हमें फेस करनी पड़ती। तो हम कह सकते हैं इन सारी समस्याओं का हमें कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता अपने देश की यात्रा करने के लिए। साथ ही यहाँ पर्यटक स्वयं समझ व व्यवस्थित कर लेता है, और यदि कठिनाइयाँ आती है तो साधन का माध्यम भी स्वयं खोज लेता है। ऐसा पर्यटन अपने ही देश में विभिन्न स्थानों पर किया जा सकता है, इसलिए इसे घरेलू,
अंतर्राज्यीय, स्वदेशी या आंतरिक पर्यटन कहते हैं। बच्चों, जो भी अपने देश की सीमाओं के अंतर्गत करते हैं यात्रा, वह यात्रा हमारी कई नामों से बुलाई जाती है, जैसे घरेलू पर्यटन, अंतर्राज्यीय पर्यटन, स्वदेशी, आंतरिक पर्यटन। यह सभी नाम हमें अपने देश की सीमाओं के अंतर्गत कोई भी यात्रा करते हैं, किसी भी उद्देश्य से करते हैं, तो यह कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है विदेशी पर्यटन। वह पर्यटक जो अपने देश की सीमाओं से बाहर या जाकर भ्रमण करते हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय व विदेशी पर्यटक कहलाता है। जब हम अपने देश की सीमाओं को लांघकर दूसरे देश में जाते हैं, तो यह यात्रा हमारी विदेशी पर्यटन या फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहलाती है। इसे भी अच्छे से समझते हैं। जैसे जब पर्यटक दूसरे देश में पर्यटन हेतु जाता है, तो एक अलग राष्ट्रीय इकाई होती है तथा उनकी अपनी राजनीतिक और अर्थव्यवस्था होती है, उसे विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहते हैं। बच्चों, जब हम अपने देश की सीमाओं को क्रॉस करके जाते हैं, तो उनकी अपनी एक राष्ट्रीय इकाई होती है, उनकी राजनीतिक होती है, अर्थव्यवस्था, मुद्रा जो होती है उनकी अलग होती है, तो हम कह सकते हैं ऐसी यात्रा को हम या तो विदेशी यात्रा या फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन यात्रा कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें अनेक प्रकार की भाषा, विनियम, मैत्री, आचार व्यवहार आदि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब भी हम अपने देश को छोड़कर दूसरे विदेशों में जाते हैं, तो हमें भाषा की समस्या आती है, कुछ भी सामान खरीदने की, लेने की समस्या आती है। अच्छे विचारों के साथ हम लोगों को जाना होता है, अच्छे संबंध बनाने होते हैं, और उनके व्यवहारों को समझने की में भी समस्या आती है, तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब हम अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में यात्रा करने जाते हैं। विदेशी पर्यटन में पारपत्र, वीज़ा और प्रवेश प्राप्त करने की भी कठिनाइयां आती है। साथ ही विदेशी कठिनाइयों को दूर करने के लिए बहुत से देशों ने पारपत्र का बंधन भी ढीला कर दिया है तथा मुद्रा संघ बनाकर मौद्रिक कठिनाइयों के हल का प्रयास किया जा रहा है, परंतु इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी है। साथ ही यह शिक्षित तथा उन्नतिशील लोगों के लिए सुविधा प्रदान कर सकती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब विदेशों में जाते हैं, तो यह जो प्रक्रिया होती है पासपोर्ट वीज़ा की, वहाँ पर जाने के कुछ नियम कानून होते हैं, वो हमें बड़ी ही कठिनाइयों का सामना कर उसे पहले प्राप्त करना पड़ता है, मुद्रा चेंज करवानी पड़ती है, वीज़ा की ज़रूरत होती है, अन्य डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो बड़ी ही समस्या पैदा करती है एक पर्यटक के लिए घूमने के लिए। साथ ही इसके ऊपर काम चल रहा है कि इसमें थोड़ा छूट दे दी जाए, या फिर क्या कहते हैं, बड़े ही सरलता वाले नियम ला दिए जाए कि पर्यटक बड़ी आसानी से यात्रा कर सके, परंतु यह कहीं ना कहीं ढीला कार्य होते होने की वजह से कहीं ना कहीं पर्यटकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही यह शिक्षित एवं उन्नतिशील लोगों के लिए सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रीय तथा अंतर क्षेत्रीय। विश्व पर्यटन संगठन WTO ने पर्यटन प्रधान देशों को पर्यटन की दृष्टि से 6 क्षेत्रों में बांटा है, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और पैसिफिक। यह बंटवारा भूगोलिक और प्रावधिक आधार पर किया गया है। बच्चों, क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय राज्यों को विश्व पर्यटन संगठन ने, जिसे हम WTO कहते हैं, उसने 6 भागों में इसे विभक्त किया है, अफ्रीका और अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्वी, दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया और पैसिफिक। इन 6 भागों में इसको विभक्त करते हुए बांटा गया है, किसके आधार पर, भूगोलिक और वहाँ के पर्यटन स्थल जो स्पेसिफिक हैं, जहाँ पर पर्यटक भारी मात्रा में जाते हैं, उन स्तरों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में पर्यटक को बांटा है। नेक्स्ट है, एक ही क्षेत्र के विभिन्न भागों में होता है, वह पर्यटन क्षेत्रीय पर्यटन कहलाता है। मतलब कहने का ये है कि जब हम एक ही क्षेत्र के अंदर, जैसे मान लेते हैं ये एक क्षेत्र है, इसी के अंदर कहीं ना कहीं हम घूमते हैं, तो ये क्षेत्रीय पर्यटन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जो पर्यटन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में होता है, वह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहलाता है। एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है कि पहले हमने यहाँ घूमा, देन वहाँ घूमा, देन यहाँ घूमा। इस तरीके से छोटे छोटे एक देश के अंदर, छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर घूमते हैं, तो यह एक तरीके से अंतर क्षेत्रीय पर्यटन कहलाता है।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगे दो प्रकार में विभाजित होता है, इनबाउंड टूरिज्म और आउटबाउंड टूरिज्म। जैसे बच्चों समय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ने पर्यटन को दो भागों में विभक्त कर दिया, इनबाउंड टूरिज्म और आउटबाउंड टूरिज्म। तो इसे समझते हैं, इनबाउंड टूरिज्म जब लोग अपने मेज़बान मतलब अपने ही देश के अंदर या मूल निवासी है देश से बाहर दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो इसे उस देश के लिए आने वाला पर्यटन कहलाता है जहां वह यात्रा कर रहा है। जैसे जब भारतीय मूल का कोई पर्यटक जापान की यात्रा करता है तो वह जापान के लिए इनबाउंड टूरिज्म होता है। बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि ये भारत है ये जापान है। अगर हम अपने ही देश से मतलब भारत से हम दूसरे देश में जाते हैं जैसे जापान में जाते हैं तो ये जापान, जब हम अपने देश से निकलते हैं तो ये भारत की जो सीमाएँ होती है उसको क्रॉस कर कर हम जब जाते हैं तो यह भारत के लिए आउटबाउंड है। परंतु जब हम जापान में चले जाते हैं और जापान की सीमा के अंदर ही यात्रा करते हैं तो ये इनबाउंड टूरिज्म कहलाता है। और अच्छे से समझते हैं कि आउटबाउंड टूरिज्म क्या है। जब पर्यटक किसी विदेशी क्षेत्र की यात्रा करता है तो यह उसके अपने देश के लिए आउटबाउंड पर्यटन है क्योंकि वह अपने देश से बाहर जा रहा है। उदाहरण, जब भारत से एक पर्यटक जापान की यात्रा करता है तो वह भारत के लिए आउटबाउंड टूरिज्म है और जापान के लिए इनबाउंड टूरिज्म है। बच्चों कहने का तात्पर्य ये है कि ये भारत है और ये जापान है। जब कोई भी भारत का एक पर्यटक या नागरिक जो भी यात्रा करने जाता है जापान के अंदर किसी भी रीज़न के वजह से, तो जब वो भारत की सीमाओं को छोड़ता है तो यह प्रक्रिया हमारी आउटबाउंड पर्यटन कहलाती है। अब जब हमने अपने देश की सीमा को छोड़ा और हम आउटबाउंड टूरिज्म कहलाया भारत, तो भारत ने जब जापान के अंदर प्रवेश किया और जापान की सीमाओं के अंदर ही यात्रा की तो वह जापान के लिए एक इनबाउंड टूरिज्म काउंट होगा। अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। संख्या की दृष्टि से व्यक्तिगत तथा सामूहिक पर्यटन। व्यक्तिगत पर्यटन, पर्यटन में पर्यटक अकेले या अधिक से अधिक अपने परिवार के साथ परिवहन पर निकलता है। इसकी सारी तैयारी, ठहराव, भोजन, स्थान, निर्णय, परिवहन अकेले या परिवार की रुचि के अनुकूल होती है। वह यात्रा व्यक्तिगत पर्यटन की यात्रा कहलाती है। बच्चों कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्तिगत पर्यटन की यात्रा होती है उसमें व्यक्ति अपने बारे में और अपने अगर परिवार को ले जा रहा है तो उसके लिए ही नियम कानून बनाएगा, साथ ही उनकी प्लानिंग करेगा कि वो कहाँ ठहरा है कहाँ नहीं ठहरा। अकेले है तो वो हर चीज़ों की प्लानिंग नहीं करेगा, उसे जा जाना होगा वहाँ पे नॉर्मली अमाउंट देकर सर्विसेज ले लेगा, और अपने परिवार के साथ जा रहा है तो वहाँ पे भी वो मैनेज कर सकता है। तो मतलब व्यक्तिगत पर्यटन वह होता है जहाँ पर पर्यटक खुद या तो अकेला जाता है या परिवार के साथ जाता है। वह पर्यटन हमारी क्या कहलाती है? व्यक्तिगत पर्यटन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सामूहिक पर्यटन। वह यात्रा जो सामूहिक रूप से तैयार की हो जिसमें एक व्यक्ति या परिवार को ना ध्यान में रखकर बल्कि समूह को ध्यान में रखकर तैयार की हो, साथ ही एजेंसियों व संस्थाओं के द्वारा आयोजित की हो, वह यात्रा पर्यटन सामूहिक पर्यटन कहलाती है। बच्चों कहने का तात्पर्य है कि जो समूह के अंदर की जाती है यात्रा वो पर्टिकुलर खुद के लिए नहीं होती या परिवार के लिए नहीं होती, सिर्फ अपने एक समूह के संग कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं किसी भी पर्यटन स्थल पर, और वो यात्रा जो होती है वो एजेंसियों और संस्थाओं को द्वारा बनाई जाती है। वह यात्रा सामूहिक पर्यटन की यात्रा कहलाती है। साथ ही इसके अंतर्गत वो जो समूह है उसके अकॉर्डिंग ही सारी ही प्लानिंग की जाती है कि भाई कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोगों का खाना है, कहाँ रहना है, सारी चीज़ें एक समूह को ध्यान में रखकर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सामुदायिक पर्यटन। विकसित देशों में पैसा पर्याप्त होता है मतलब ज़्यादा होता है तथा छुट्टियों के दिन भी अधिक होते हैं। इसको आनंद से बिताना वहाँ के लोगों के जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है। जिन भी देशों के अंदर अच्छा खासा पैसा होता है और छुट्टियाँ भी ज़्यादा मिलती हैं उन लोगों के लिए समुदाय पर्यटन एक तरीके से लाभकारी होता है और या फिर हम कह सकते हैं उनका अंग होता है। कैसे? अतः वहाँ के लोग एक साथ बड़ी संख्या में छुट्टियों के दिनों में पर्यटन के लिए निकल पड़ते हैं। यह
यात्रा सामुदायिक पर्यटन कहलाती है, जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा आदि में बहुत प्रचलन है इस यात्रा का। समूह के अंदर बच्चों, जिन भी देशों के अंदर अच्छा खासा पैसा है और अच्छी ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती हैं अपने आप को रिलैक्स करने की, तो वो समूह में जाते हैं। वो सारे के सारे अच्छी खासी छुट्टियाँ मिलती है, अच्छा खासा पैसा है, वो पर्यटक समूह में बनाकर कोई भी यात्रा करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम समझ सकते हैं जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा है, जहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक समूहों के द्वारा या समुदाय में अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसे सामुदायिक पर्यटन का आयोजन करना भारतीयों के लिए ना वर्तमान में है और ना निकट भविष्य में संभव है। ये अमीर देशों की प्रक्रिया है जहाँ पर समुदाय के अंदर पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं, परंतु अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर समुदाय पर्यटन होना बड़ा ही असंभव है, ना ही भविष्य में, ना ही निकट वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समय की दृष्टि। दीर्घकालीन पर्यटन, दीर्घकालीन का मतलब होता है लंबे समय। इसमें पर्यटन अवधि कई सप्ताह या महीनों की होती है, क्योंकि पर्यटक कई स्थानों की यात्रा एक क्रम में करता है। इसमें वह प्रत्येक स्थान पर थोड़े थोड़े दिन रुकता है, हुआ आगे बढ़ता है, इसको ट्रिप या विजिट भी कहते हैं, साथ ही दीर्घकालीन पर्यटन। बच्चों, दीर्घकालीन पर्यटन कौन सा होता है, जहाँ पे लंबे समय की छुट्टियाँ मिलती हैं, जैसे सप्ताहों की, महीनाओं की, इसमें छुट्टियाँ मिलती हैं और पर्यटक किसी भी स्थल पर अपने अकॉर्डिंग घूमने जाता है, और यह एक क्रम में होती है। ये नहीं कि आज दो दिन की छुट्टी हुई है फिर ऑफिस जाना, तीन दिन की छुट्टी हुई फिर ऑफिस जाना, नहीं, ये एक हफ्ते, दो हफ्ते, तीन महीने, इस तरीके से एक ही क्रम के अनुसार वो यात्रा की जाती है। इसे आज हम ट्रिप या विजिट भी कहते हैं। इस यात्रा को दीर्घकालीन पर्यटन की यात्रा कहते हैं। नेक्स्ट है अल्पकालिक पर्यटन। कम समय के लिए की गई किसी भी स्थल की यात्रा, जैसे एक सप्ताह, 10 दिन के लिए की गई यात्रा अल्पकालिक पर्यटन की यात्रा कहलाती है। अल्पकालिक मतलब कम समय के लिए, या तो एक हफ्ते के लिए या फिर 10 दिन के लिए, और ना ही ये है एक तरीके से क्रम में होती। ये आपको 10 दिन की, 2 दिन की छुट्टियाँ मिलेगी, अगर आप उसमें जाना चाहते तो जा सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम अल्पकालिक पर्यटन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्यवस्था की दृष्टि से स्वच्छंद पर्यटन, इंडिपेंडेंट पर्यटन जिसे हम कह सकते हैं। इसमें पर्यटक किसी एजेंसी या टूर ऑपरेटर का सहारा ना लेकर अपनी निजी या व्यवस्था के अनुसार पर्यटन करता है, सब की व्यवस्था स्वयं करता है, वह स्वच्छंद पर्यटन, इंडिपेंडेंट टूरिज्म कहलाती है। बच्चों, यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें इंडिपेंडेंट होकर पर्यटक कहीं भी चला जा सकता है। वो एजेंसी या टूर से प्लानिंग नहीं करता कि भाई उसे वहाँ जाना है तो उसको सुविधा चाहिए, नहीं, यहाँ पर पर्यटक अपनी मर्जी से कहीं पर भी किसी भी व्यवस्था के रूप अपने अनुसार कर कहीं पर भी घूम सकता है, और ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, स्वच्छंद पर्यटन या फिर इंडिपेंडेंट टूरिज्म कहलाती है। नेक्स्ट है संबंध या पैकेज व्यवस्था। इसमें सार व्यवस्था टूर एजेंसी और ऑपरेटर पहले से ही करता है। पर्यटक घर से निकलने के बाद उन्हीं व्यवस्था के अनुसार यात्रा करता है, वह सामंत व पैकेज पर्यटन कहलाती है। सामंत या पैकेज व्यवस्था वह पर्यटन की व्यवस्था कहलाती है जो एजेंसियों या फिर संस्थाओं के द्वारा बनाई जाती है, और पर्यटक उनके अनुसार जो रूल रेगुलेशन या फिर कोई ट्रिप बनाई गई है उनके अनुसार उस स्तर पर घूमने जाता है, वह पर्यटन स्थल सामंत या पैकेज व्यवस्था या पर्यटन कहलाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है द्रव्य की दृष्टि से द्रव्य सक्रिय पर्यटन। इसमें आने वाले विदेशी पर्यटक अपनी मुद्रा यहाँ की मुद्रा में बदलाव कर खर्च करता है, इससे आने वाले देश को विदेशी मुद्रा मिलती है, वह प्रक्रिया द्रव्य सक्रिय पर्यटन कहलाती है। बच्चों, बहुत सारे देशों के अंदर हमने देखा है कि अपनी अपनी करेंसियाँ चेंज कराकर, या उनके करेंसियाँ जो होती है उसमें हमें चेंज करानी होती है, और तभी हम उन पैसों को यूज़ कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भी पर्यटक अपने देश की करेंसी को चेंज कराता है उस देश में जाने के लिए, तो उन लोगों को, जिस भी देश में पर्यटक जा रहा है उन लोगों को वहाँ की विदेशी मुद्रा मिलती है। जैसे भारत के अंदर विदेशी लोग आते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द्रव्य निष्क्रिय पर्यटन। इसमें पर्यटक दूसरे देशों में जाकर अपने देश की ही मुद्रा खर्च करता है, वह पर्यटन द्रव्य निष्क्रिय पर्यटन कहलाता है।
एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वह पर्यटक जब भी हम देश विदेश में जाते हैं तो हम अपने भारत की एग्जांपल से समझ सकते हैं, हम भारत की जो करेंसी होती है जो NIR होता है उसका यूज़ करते हुए हम दूसरे देश में जाते हैं, मतलब अपने ही देश में पैसा कमाते हैं, उन पैसों को हम दूसरे देश में जाकर खर्च करते हैं किसी भी या तो पर्यटन स्थल पर अपनी प्राथमिक आवश्यकता पर, वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, द्रव्य निष्क्रिय पर्यटन की व्यवस्था या प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है इच्छा की दृष्टि से सामाजिक पर्यटन। जिस देश में लोगों के पास सीमित साधन होते हैं वहाँ राज्य की ओर से पर्यटन के लिए सहायता मिलती है, इसमें राज्य ही निर्णय करता है इन्हें कब कहाँ तथा कितने दिनों के लिए जाना होगा, यह पूर्व यूरोप देश में अधिक प्रचलित है। बच्चों सामाजिक पर्यटन भी एक तरीके से उनकी जो सरकार होती है, उनकी राज्य सरकार हो तो उनके ही देश की जो सरकार होती है वो इस तरीके से सामाजिक पर्यटन सुनिश्चित करती है, वहाँ पर वही निर्णय लेती है कि कब कहाँ और कितने दिनों के लिए उस स्थल पर कोई भी पर्यटक कोई भी व्यक्ति जा रहा है। तो यह सामाजिक पर्यटन एक तरीके से पूर्वी यूरोप में प्रसिद्ध पर्यटन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत में भी ऐसी योजनाएं बनाई गई है कि प्रतिवर्ष यहां से कृषकों का दल बाहर से नई तकनीकी सीखने के लिए राज्य के खर्च पर विदेश भेजा जाए, साथ ही इसका उद्देश्य है कि वहाँ के लोगों से संपर्क रखना। ऐसे कई दल यहाँ से विदेशी भेजे जा चुके हैं, इस योजना में रूस आदि भी भारत की यात्रा करने आते हैं। बच्चों सामाजिक पर्यटन की जो यात्रा है वो एक तरीके से हमारी रूस भारत के अंदर जब आते हैं किसी न किसी कारण के वजह से कुछ भी सीखने के लिए, तो एक तरीके से ये भारत के अंदर भी लागू होती है। साथ ही भारत की जो कृषि व्यवस्था है वो भी हमारे सामाजिक राज्य के तरफ से या सामाजिक पर्यटन को लेकर हमारी सरकार कृषि लोगों को विदेशों में भेजती है उनकी टेक्नोलॉजी को जानने के लिए, कृषि व्यवस्था को जानने के लिए, और इस तरीके से हम भी कहीं ना कहीं सामाजिक पर्यटन को भी अपने देश के अंदर सम्मिलित कर यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सांस्कृतिक पर्यटन। सांस्कृतिक सामग्रियां पर्यटकों का आवश्यक केंद्र होता है। यूनान मिस्र भारत और पुरातत्व सभ्यता के केंद्रों पर पर्यटन वहां की सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखकर किया जाता है। बच्चों सांस्कृतिक पर्यटन से हमें समझ आ रहा है कि हमारी संस्कृति जो होती है उसको देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं। जैसे यूनान मिस्र और भारत और पुरातन ये सारी सभ्यताएँ कहीं ना कहीं पर्यटकों को आकर्षित करती हैं और इसे देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं, और इस तरीके से सांस्कृतिक पर्यटन भारी मात्रा में दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिक्री हुई पुरातात्विक सामग्रियां पुरास्थल संग्रहालय ऐतिहासिक स्मारक पर्यटकों का मूल आकर्षण होता है, और कहीं ना कहीं ये सांस्कृतिक सामग्रियां या फिर हम कह सकते हैं वह पुरातत्व चीज़ें जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लोग इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि भाई किस तरीके से समाज था, किस तरीके से हमारा इतिहास रहा है, क्या क्या स्मारक रही है, किस तरीके से संग्रहालय रहे, इन सभी से प्रभावित होकर पर्यटक घूमने के लिए आता है। नेक्स्ट है लोकगीत व परंपराओं के द्वारा भी पर्यटक पर्यटन करते हैं। बच्चों लोकगीत व परंपराओं को लेकर भी पर्यटक आकर्षित होते हैं, उसके लिए भी यात्रा करते हैं। नेक्स्ट है समुद्र बालुका और सूर्य पर्यटन, इन इस चीज़ों से भी पर्यटक प्रभावित होते हैं और घूमने फिरने के लिए उस स्थल पर जाते हैं। जैसे बहुत से पर्यटक स्वास्थ्य लाभ तथा समुद्र के आनंद के लिए समुद्र तटों पर आते हैं, यह यहाँ सागर की तरंगों में स्नान तैराना नाव चलाना वहाँ के हवा के झोंके का आनंद लेते हैं। ऐसे बहुत सारे स्थल है जहाँ पर हमें बड़े बड़े समुद्र देखने को मिल जाएंगे और स्नान करने के लिए पर्यटक आते हैं, लहरों का आनंद प्राकृतिक चीज़ों का आनंद लेने के लिए पर्यटक आते हैं। जैसे हम गोवा ले सकते हैं, हिमालय ले सकते हैं, हिमाचल ले सकते हैं और कश्मीर ले सकते हैं, ऐसे बहुत से भारत के अंदर पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर पर्यटक इन सारी चीज़ों का आनंद उठाने के लिए आते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण पर्यटन। पर्यावरण का विकास पर्यावरण प्रेमी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होता है। पर्यटन को लेकर बहुत सारे पर्यटक भारी मात्रा में आकर्षित होते हैं और पर्यावरण को ही देखने के लिए आते हैं, यह उनका केंद्र होता है। इससे पर्यटक को मानव इतिहास के विकास को जानने में बड़ी सुविधा होती है। हम पर्यावरण के द्वारा भी अपने विकास को जान सकते हैं और बहुत इजी लगता है पर्यटकों को ऐसी जगह पर जाना कि वह अपने इतिहास के बारे में भी जाने, प्रकृति को भी इंजॉय कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
पर्यावरण के प्रति पर्यटकों की जागरूकता बढ़ती है। इसमें पर्यटक शांत वातावरण में आकर प्रकृति और पर्यावरण का आनंद लेता है। उसका प्रयास होता है कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार उसकी क्रिया से क्षति ना पहुंचे। जब भी पर्यटक कहीं पर भी घूमने फिरने जाता है पर्यटन को लेकर, तो वो उसके बारे में जागरूक होता है, साथ ही वो उस शांति को महसूस करता है अपने पर्यावरण को जानने के लिए और साथ ही इतिहास को जानने के लिए, और वो साथ ही उन सब चीज़ों का भी आनंद लेता है जो पर्यावरण में पहले से प्रोवाइड है। उन सभी का आनंद लेते हुए वो अपना ज्ञान को पूर्ण करता है और कोशिश करता है कि वो पर्यावरण को किसी न किसी प्रकार से ठेस ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक लाभ की क्रिया स्थानीय जनता को प्राप्त होती है। पर्वत जंगल झरनों का आकर्षण इनके लिए सार्वजनिक होता है। अगर हम बात करें कि पर्यावरण को लेकर पर्यटक भारी मात्रा में आते हैं, तो हाँ इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल होते हैं कि उनको रोजगार तो मिलता ही मिलता है, साथ ही उनके पर्यटन स्थल पर पर्यटक जब आते हैं तो उन्हें मुद्रा भी मिलती है, जिसकी वजह से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी प्रॉफिट होता है। और इस तरीके से वो प्रकृति चीज़ों से या फिर उन स्थलों के पर्यटन स्थल को लेकर पर्यटक को आकर्षित कर अपने दिनचर्या के या फिर हम कह सकते हैं रोजगार को कमाने का उनको एक अवसर मिलता है, और ये सब सिद्ध हो पाया है कहीं ना कहीं पर्यटन के वजह से। नेक्स्ट है शैक्षणिक पर्यटन। शिक्षा के उद्देश्य से की गई यात्रा शैक्षणिक पर्यटन कहलाती है। यह एक देश से दूसरे देश या विदेशों की यात्रा शिक्षा ग्रहण करने के लिए की जाती है। बच्चों, शिक्षा के दौरान भी पर्यटक एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, वो चाहे देश से विदेश में जा सकते हैं, विदेशों से देशों में जाते हैं, और अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस देश से, उस पर्यटन स्थल से लेते हैं, और अपने किसी भी डिग्री को पूर्ण करने के लिए भी पर्यटक एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो भी एक तरीके से पर्यटन की यात्रा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वन्य जंतु पर्यटन। टीवी का डिस्कवरी चैनल वन्य जीव जंतुओं की खोज के लिए की गई यात्रा वन्य जीव जंतुओं के बारे में की जाने वाली यात्रा वन्य जीव जंतु पर्यटन की यात्रा कहलाती है। जैसे पशुओं की प्रजातियां, पक्षियों की प्रजातियां, वन्य जीव जंतु के अंदर बच्चों एक तरीके से हम किसी भी पशु पक्षी किसी भी जानवर की हम उनकी प्रजातियों को देख पाते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे प्रकृति को और चार चांद लगा देती है। और इसके ऊपर आपने डिस्कवरी चैनल भी देखे होंगे, इसके ऊपर ज्योग्राफी चैनल्स भी आपने देखे होंगे, जिसके वजह से हमें उनकी प्रजातियां जो अभी है उनके बारे में जानने को मिलता है, जो नहीं है, जो लुप्त हो चुकी हैं वो किस तरीके से थी, उन सभी के बारे में हमें जानने को मिलता है। और पर्यटक इस चीज़ से बड़े ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और जिसके वजह से वन्य जीव जंतु पर्यटन की यात्रा करने के लिए निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक दृश्य पर्यटन। सुंदर प्राकृतिक दृश्य होता है यात्रा प्रकृति प्रेमी जनता करती है। स्विट्जरलैंड, भारत में कश्मीर, हिमालय आदि जहाँ पर पर्यटक पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ना, गिरती बर्फ का आनंद लेना, वर्षा का आनंद, पहाड़ों, जंगलों, झीलों, झरनों, फूलों की घाटियों का आनंद लेने के लिए पर्यटक प्रकृति का आनंद लेने के लिए यात्रा करते हैं। बच्चों, अगर हम प्राकृतिक दृश्यों की बात करें या फिर हम कह सकें कि प्राकृतिक चीज़ों से पर्यटक बहुत भारी मात्रा में आकर्षित होता है, और वह चाहता है कि कुछ समय के लिए इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, भारी बोझ से, रिस्पॉन्सिबिलिटियों से दूर जाकर ऐसी जगह पर जहाँ खुद को स्ट्रेस फील करा सकता है कि हाँ भाई अब जीवन में कुछ ऐसे सुकून पल भी, वो उन पर्यटन स्थलों पर जाना चाहता है जहाँ पर बिल्कुल उन्हें शांति मिलती है, मनोरंजन मिलता है, अपने अवकाश को अच्छे से व्यतीत कर सकता है। वो स्थल कौन से स्थल होते हैं? प्राकृतिक स्थल होते हैं। पर्यटक इससे ज़्यादा भारी मात्रा में प्रभावित होते हैं। उनको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर पर्यटक अपनी मर्जी से खुलकर जीवन जी सके या फिर कुछ पल ही जी सके। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे ऊँचाई पर चढ़ना पर्यटकों को भारी मात्रा में लुभाता है, गिरती भी बर्फ़ देखना उसका आनंद लेना, वर्षा का आनंद लेना, पहाड़ों पर चढ़ना, फूलों की घाटियों पर चढ़ना, झरनों को देखना, ऐसा माहौल जहाँ पर पर्यटक खुद को अच्छा फील करता है और प्रकृति से जुड़ता है, अपने आप को हील करता है। और ऐसे पर्यटन स्थल हमारे कौन से हैं? प्राकृतिक दृश्य पर्यटन है, जिसके वजह से भारी मात्रा में दिन प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी होते हुए दिखाई
दे रही है। यह एकांत जीवन पर्यटन, लोग एकांत जीवन व्यक्त करने के लिए प्राय ऐसे स्थानों की यात्रा करते हैं जहाँ ना भीड़ हो ना जीवन में बहुत उछल कूद हो। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि एकांत जीवन पर्यटन भी भारी मात्रा में पर्यटकों से बढ़ रहा है, प्रभावित हो रहा है, जहाँ पर पर्यटक चाहता है कि वो कुछ समय खुद को दे है, खुद एकांत में रहकर अपना चीज़ों को महसूस करे, अपनी चीज़ों को समझ सके। तो इसकी वजह से वो ऐसे स्थलों पर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं जहाँ पर वो भीड़ भाड़ ना हो, कोई उछल का कूद ना हो, ऐसी जगहों पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे पर्यटन स्थल को हम क्या कह सकते हैं, एकांत जीवन पर्यटन स्थल। नेक्स्ट, एकांत स्थल में धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन व प्रवचन सुनना पसंद करते हैं पर्यटक। जहाँ पर अकेला रहकर खुद को कुछ समय देना चाहते हैं वहाँ पर वो धर्म से जुड़कर भी अपने आप को हील करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्रवचन सुनते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की भीड़ भरे तथा चमक दमक और काम के बोझ से लदे युवक एकांत जीवन की यात्रा करना पसंद करते हैं जिससे वह खुद को समझ व खुद के लिए समय निकाल सके। बच्चों, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि विश्व के अंदर इतनी समस्या, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पर्यटक अपने आप को समझ ही नहीं पाता, समय ही नहीं दे पाता, तो जिसके वजह से कहीं ना कहीं पर्यटक ऐसे स्थलों से ज़्यादा प्रभावित होता है जहाँ पर उन्हें शांति मिले। तो वो चाहता है कि उस चमक दमक वाली चीज़ों से, भीड़ भाड़ी वाली चीज़ों से, बोझों से थोड़ा समय के लिए खुद को अलग कर ऐसे स्थल पर जाए जहाँ पर उसे खुद को समझने की और आस्था से जुड़कर वो खुद को हील कर सके। तो ऐसे स्थल को हम एकांत पर्यटन कहते हैं। नेक्स्ट है, अल्प सुविधा भोगी पर्यटन। समाज के सभी लोगों के पास इतना धन नहीं होता कि वह आनंद की प्राप्ति के लिए लंबी तथा सुखद यात्रा करें। जब पर्यटक कम वेतन यात्रा के लिए निकलता है तो वह कम वेतन वाले आवास व खान पान, धार्मिक चीज़ों का आनंद लेते हुए अपनी उन इच्छाओं को पूर्ण करता है जिसे यात्री को वह सोच कर निकला है, और इस प्रकार अपनी कम वेतन यात्रा का पर्यटक आनंद उठाता है। बच्चों, अल्प सुविधा भोगी पर्यटन वह प्रक्रिया होती है जिसमें पर्यटक कम वेतन के अंदर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ निभाना चाहता है, या फिर हम कह सकते हैं वो सारी इच्छा को फुलफिल करना चाहता है, जहाँ पर उसे सुकून मिलता है और वो चाहता है कि कम पैसों के अंदर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी ले ले, चीज़ों को घूम भी सके और अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सके। ऐसी यात्रा हमारी कौन सी यात्रा कहलाती है, अल्प सुविधा भोगी पर्यटन की यात्रा कहलाती है। युवा वर्गीय पर्यटन, युवा पीढ़ी प्राय सभी समितियों में भाग लेने, कुछ दर्शनीय स्थलों को देखने, युवा तुर्की से मिलने या कुछ सीखने के लिए यात्रा करते हैं। यह सस्ते यात्रा संसाधनों का प्रयोग करते हैं, साधारण भोजन करते हैं, सस्ते आवास या रेल के प्लेटफॉर्म, खुले स्थानों अथवा पार्क में सोकर रात बिताते हैं, अपनी यात्रा पूरी करते हैं। इनके लिए ही यूथ हॉस्टल पर्यटन विभाग की ओर से बने हैं जहां ठहरने में कम खर्च करते हैं। बच्चों, युवा वर्ग पर्यटन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमें देखने को मिलता है कि पर्यटक किसी न किसी रीज़न से अपने घर से निकलता है और परंतु उसके पास पैसे नहीं होते, जिसके वजह से उन्हें कई जगहों पर भटकना पड़ता है, कम चीज़ों से में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे कुछ भी स्थल हो गया जहाँ पे वह रुक रहा है, वो कम महंगे वाले स्थल पर ना रुक, कम सुविधा वाली जगहों पर रुक कर अपना समय व्यतीत करता है, या भोजन कम करता है, प्लेटफॉर्म पर सोता है, खुले स्थानों पर सोकर अपना समय बिताकर उन यात्राओं को पूर्ण करता है। जिसके वजह से सरकार ने देखा कि जिस तरीके से ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने यूथ हॉस्टल बनाए हैं जिससे पर्यटकों को किसी भी प्रकार से अन्य समस्याओं का सामना ना करना पड़े, और यह दिन प्रतिदिन बढ़ने की वजह से पर्यटन ने इसको और डेवलपमेंट करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है, धार्मिक पर्यटन। साधु एवं वृद्ध पुरुष स्त्री धार्मिक स्थलों पर, विशिष्ट योजनाओं, अवसरों पर जाकर अपनी धार्मिक इच्छा की पूर्ति करते हैं। बच्चों, हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि धर्म से व आस्था से जुड़ी चीज़ों को हम धार्मिक पर्यटन स्थल के अंतर्गत रखते हैं। तो जिन भी पर्यटकों को, साधुओं को व वृद्ध पुरुष स्त्रियों को धर्म से, अवस्थाओं से जुड़कर अच्छा लगता है, तो वह ऐसे पर्यटन स्थलों पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर उनकी इच्छाएँ पूर्ति होती है। मंदिर, मस्जिद, धार्मिक जगहों से जुड़कर धर्म व आस्था के लिए किया गया पर्यटन धार्मिक पर्यटन कहलाता है। हम कह सकते हैं कि मंदिर, मस्जिद, धार्मिक जगहों से जुड़कर पर्यटक अपनी इच्छा को पूर्ण करते हुए और धर्मों से जुड़कर अपनी आस्था को पूर्ण करते हैं। ऐसे स्थलों को हम धार्मिक पर्यटन स्थल के अंतर्गत रखते हैं।
नेक्स्ट है मनोरंजन के लिए पर्यटन। अधिकतर पर्यटक मनोरंजन के लिए ही पर्यटन पर जाते हैं। इसी प्रकार के पर्यटनों के लिए पैकेज टूर बनाए जाते हैं जहां समुद्र तट, धूप, रेत तथा खुली हवा का आनंद उठाने आते हैं। यह सामूहिक पर्यटन के स्थल होते हैं। कई खेल सुविधाएं व कुछ नयापन ढूंढने व विश्राम करने आते हैं। बच्चों, मनोरंजन के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसे पर्यटन स्थल जहां पर पर्यटक सिर्फ मनोरंजन के लिए पर्यटक आते हैं, वह समूह में भी आ सकते हैं, इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, और यह कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे ट्रैवल एजेंसी व संस्थाओं से जुड़कर भी पर्यटक मनोरंजन वाले जगहों पर जाते हैं जहां पर वह धूप से, तटों पर, रेत पर व खुली हवा का आनंद उठाने के लिए या फिर खेलों का व विश्राम का आनंद उठाने के लिए की गई यात्रा हमारी मनोरंजन के लिए पर्यटन की यात्रा कहलाती है। नेक्स्ट है लोक सांस्कृतिक पर्यटन। जहाँ पर्यटक किसी विशेष लोक संस्कृति का दर्शन करने जाते हैं, परिवार के मूल स्थानों का दर्शन करने जाते हैं। बच्चों, लोक सांस्कृतिक पर्यटन मतलब जो भी लोकगीत हुआ करते थे पुराने ज़माने में, बहुत शादी विवाहों में गीत गाया करते थे, उससे भी पर्यटक कहीं ना कहीं आकर्षित होते हैं। यह परिवार के अंदर जाकर उन स्थलों को घूमते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं, यहाँ फिर हम कह सकते हैं उन परंपराओं को समझकर अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी पर्यटक आकर्षित होते हैं लोक सांस्कृतिक पर्यटन स्थल से और भारी मात्रा में वहाँ की यात्रा करते हैं। नेक्स्ट है विश्राम तथा थकान से मुक्ति। रोजमर्रा की भागदौड़ से मुक्त पाने के लिए पर्यटन किया जाता है। तनाव मुक्त हेतु किसी स्थान में जैसे पर्वत, समुद्र तट या किसी विश्राम स्थल में जाकर छुट्टियां व्यतीत करना ही इस पर्यटन का मुख्य उद्देश्य होता है। बच्चों, विश्राम थकान के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसा स्थल जहाँ पर व्यक्ति विश्राम करने के लिए, छुट्टियाँ बिताने के लिए या खुद को रिलैक्स करने के लिए कहीं पर भी जाता है, या तो इंडिविजुअल या फिर अपने परिवार के लिए। इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में वो चाहता है कि कुछ समय खुद को दे। ऐसे यात्रा को हम विश्राम या थकान मुक्त पर्यटन की यात्रा कहते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य। गर्म पानी के स्रोतों में नहाना, सोना, बाथ, योग, हेल्थ क्लब आदि के सहारे रोग मुक्त की चाहत से किया गया पर्यटन भी काफ़ी लोकप्रिय है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पर स्वास्थ्य को लेकर अच्छे ट्रीटमेंट नहीं है, जिससे पर्यटक भारी मात्रा में ऐसी जगहों पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि कम समय में, कम पैसों में और अच्छी ट्रीटमेंट उन्हें मिल जाए अपनी बीमारी का। ऐसे विषय को ध्यान में रखकर भी, या फिर हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में पर्यटक स्वास्थ्य पर्यटन की यात्रा करते हैं किसी भी देश विदेश में, राज्य में। वो डिपेंड करता है कि उस स्थल पर उस स्वास्थ्य को लेकर कितनी मात्रा में सीरियसनेस होकर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उससे भी भारी मात्रा में पर्यटक प्रभावित होकर यात्रा करते हैं और आज ये एक लोकप्रिय हो गया है। हम भारत का ही उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष अभिरुचि दिलचस्पी, जिसमें पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा विशेष रुचि होती है, दिलचस्पी होती है। ऐसे स्थलों को पर विजिट करते हैं पर्यटक, जैसे विशेष प्रकार की पर्यटन की योजना व्यक्ति या समूह की अभिरुचि को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ये दिलचस्पी स्वास्थ्य भी हो सकती है, ऐतिहासिक भी हो सकती है, पुरातात्विक भी होता है मतलब ऐतिहासिक भी हो सकती है, लेकर खेल कूद या मछली मारने तक का हो सकता है। बच्चों, ऐसे बहुत सारे पर्यटन स्थल होते हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें मिलती हैं जहाँ पर पर्यटक खुद को अभिरुचि के रूप में आता है। यह कुछ भी हो सकती है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो सकती है, ऐतिहासिक चीज़ों से जुड़ी हो सकती है, इतिहास से जुड़ी हो सकती है, या फिर खेल कूद या मछली मारने तक को लेकर किसी भी विषय पर पर्यटक उसे आकर्षित होता है, उसे उसमें रुचि होती है, तो वो उस चीज़ को इंजॉय करने, उसमें अपने आप को समझने के लिए या फिर हम कह सकते हैं उस इंटरेस्ट को पूर्ण करने के लिए ऐसी यात्रा करते हैं। उस यात्रा को विशेष अभिरुचि या दिलचस्पी रुचि पर्यटन स्थल की यात्रा कहते हैं। नेक्स्ट है खेल साहसिक। भारत में खेल पर्यटन ने भारतीय पर्यटन उद्योग में अपने लिए एक उच्च स्थान बनाया है। खेल पर्यटन मोटे तौर पर भारत में साहसिक खेल और खेल द्वारा परिभाषित किया गया है। बात करते हैं अगर हम भारत की, तो भारत ने खेल पर्यटन को इतना महत्व दिया है कि उसने आज पर्यटन उद्योग में अपने आप को एक उच्च स्थान दिया है। साथ ही खेल पर्यटन मोटे तौर पर साहसिक खेल के रूप में परिभाषित हुआ है, जिससे पर्यटक आकर्षित होकर भारत में आ सके इसे देखने के लिए। नेक्स्ट है भारत में वास्तव में खेल पर्यटन की पेशकश करने वाले कई
गतव्य हैं, विभिन्न प्रकार के खेल गतिविधियां हैं जिन्हें आप अपनी छुट्टी के दौरान शामिल कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि भारत के अंदर आज पर्यटन खेल को लेकर इतने उत्सुकता हुई है, इतना अच्छे से पेश किया है पर्यटकों के सामने कि ऐसे बहुत सारे स्थल आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ साहसिक खेल होते हैं या खिलाए जाते हैं। साथ ही ये इसका आनंद लेने के लिए हम अपने छुट्टी के या अवकाश के दौरान भी आकर इसको इंजॉयमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, साहसिक खेलों के प्रकार। विशिष्ट साहसिक खेल पर्वतारोहण, रॉक क्लाइंबिंग, स्कूबा डाइविंग, वाटर राफ्टिंग, वाटर स्कूटरिंग, पैराग्लाइडिंग, हैंडल ग्लाइडिंग आदि ये खेल दुनिया भर के खेल प्रेमियों और उत्साह लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सक्रिय खेलों के साथ व्यवहार यात्रा अत्यधिक लोकप्रिय हो रही है। अगर हम साहसिक खेलों के लिए बात करें तो बहुत सारे पर्यटक इन सारे खेलों से आकर्षित होते हैं, जिसके वजह से वहाँ घूमने के लिए आते हैं या फिर इसका इंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं। साथ ही ये कहीं ना कहीं पर्यटन उद्योग के अंदर एक व्यापार का भी केंद्र बिंदु बन गया है, यह दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा है। भारत में जमीन और पानी, पानी के नीचे और हवा में किसी भी तरह के साहसिक खेलों का आनंद ले सकते हैं। भारत में खेल पर्यटन और साहसिक खेलों का भविष्य उज्जवल है। अगर हम भारत की बात करें तो आज भारत के अंदर हम देखेंगे कि जमीन के ऊपर और पानी के नीचे व हवाओं की चीज़ों को भी हम इंजॉयमेंट कर सकते हैं, क्यों पर्यटन ने इतनी भारी मात्रा में अन्य चीज़ों पर प्रभाव डाला है कि खेल और साहसिक जो होते हैं खेल उन सभी को इतना बढ़ाया है कि भारी में राइडिंग करने के लिए या फिर इनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए पर्यटक भारत के अंदर आते हों। और आज ये साहसी खेल कहीं ना कहीं भविष्य में एक उज्जवल रूप लेकर उभरेगा, या फिर हम कह सकते हैं इसका बहुत बड़ा आगे उज्जवल रूप में उभर कर भारत के अंदर साहसी खेल उत्पन्न होगा पर्यटन के अंदर। नेक्स्ट है वरिष्ठ पर्यटन। वरिष्ठ पर्यटकों को 50 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में आने वाले युवा वरिष्ठ नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 60 से 70 की उम्र में चिकित्सा लागत अधिक प्रयोग में आती है क्योंकि शरीर कमजोर व बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, परंतु इसे उम्र में वरिष्ठ लोगों की अवस्था धर्म से जुड़ जाती है, इस जिसके कारण वरिष्ठ में वृद्धि व्यक्ति ऐसे स्थलों पर ज़्यादा जाना पसंद करता है जहाँ धर्म पूजा पाठ आस्था व अन्य प्राथमिक आवश्यकताएं भी उपलब्ध हो और इस यात्रा को आसानी से कर सके। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि वरिष्ठ पर्यटन की यात्रा जो होती है वो 50 से 60 या फिर 60 से 70 की आयु के अंतर्गत होती है। उस दौरान पर्यटक जो होता है भारी मात्रा में एक ऐसी अवधि में प्रवेश कर चुका होता है कि जहाँ पर वह वृद्ध अवस्था को फेस कर रहा होता है, उसकी शरीर में बहुत सारी समस्याओं का सामना हो जाता है या हम कह सकते बहुत सारी कमजोरी आ जाती है, जिसकी वजह से पर्यटक धर्म आस्था से जुड़ जाता है और वो चाहता है कि ऐसे स्थलों में जाए जहाँ पर वह भगवान से जुड़े अपने आप को ऐसी जगह पर व्यस्त करें जिससे उनके मन को शांति मिलती है। वो मंदिर मस्जिद में ही उन्हें मिलती है और पर्यटक ये भी चाहता है कि ऐसे स्थलों पर उन्हें प्राथमिक आवश्यकता का जो ट्रीटमेंट है या फिर हम प्राथमिक आवश्यकता है वो आसानी से मिल जाए। तो इसी पर्यटन को, वरिष्ठ पर्यटन को भारी मात्रा में सरकार बढ़ा रही है और आने वाले समय में ऐसी प्राथमिक आवश्यकताएँ भारी मात्रा में पर्यटकों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है जातीय पर्यटन। जातीय पर्यटन एक विशेष जातीय के बारे में सीखने और अनुभव करने पर केंद्रित है। जातीय पर्यटन सांस्कृतिक पर्यटन का एक रूप है। अगर बच्चों हम जातीय पर्यटन की बात करें तो यह एक पर्यटन सांस्कृतिक का रूप है जहां पर हम किसी भी जाति के बारे में सीखने व उसके बारे में अनुभव करने के बारे में या हम उसके बारे में कि वह उसका उदय कैसे हुआ, किस तरीके से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता था, उन सभी के बारे में जानने को मिलती है। यह यात्रा हमारी जातीय पर्यटन की यात्रा कहलाती है। नेक्स्ट है हमारी रूट्स पर्यटन। रूट्स पर्यटन जिसे वंशावली पर्यटन या वंश पर्यटन के रूप में भी जाना जाता है, पर्यटन है जिसमें उन गतव्यों की यात्रा की जाती है जो पर्यटक पैतृक माध्यमों से जुड़ जाते हैं। स्कॉटलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में लोकप्रिय पैतृक पर्यटन स्थल माना जाता है। बच्चों, अगर हम रूट्स पर्यटन की यात्रा करें तो ये एक तरीके से वंश से जुड़ा हुआ होता है, जैसे पैतृक संपत्ति, जैसे हमारे दादा दादी, फिर उसके मम्मी पापा, फिर उनके बच्चों को मिलती है, ये तरीके से मतलब एक वंशानुगत चलती रहती है। ऐसी यात्राएं हमारी रूट्स पर्यटन के अंतर्गत आती हैं और यह कहीं ना कहीं ज़्यादा मात्रा में अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर प्रचलित है जहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक इससे आकर्षित होकर उस यात्रा को करते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने जाने वाला VFR। दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने जाने वाला जिसे आमतौर पर VFR कहा जाता है, दुनिया भर में पर्यटन का एक लोकप्रिय रूप है। VFR घर या दोस्तों और परिवार या पारस्परिक सुविधा स्थान पर यात्रा करने का कार्य करता है। यह पर्यटन लोकप्रिय है पाकिस्तान, मेक्सिको और पोलैंड में। बच्चों अगर हम VFR की बात करें तो यह कहीं ना कहीं भारी मात्रा में ऐसी यात्रा है जहाँ पर हम अपने सगी संबंधों, दोस्तों, परिवारों के बारे में जानने के लिए यात्रा करते हैं। वो यात्रा हमारी VFR के अंतर्गत आती है। और इस तरीके से हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल पर आपको मिलती रहती है। थैंक यू बच्चों।